समर्थ है सन्मार्ग के बीच, बचा कर मिथ्या से मुझे हरे भाव सब नीच। पथ में प्रकटे सदगुरु हस्त पकड़ कर आप, ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की जाग। धाम बताया ईश का देकर पूरा साथ, सदगुरु की महिमा बड़ी विरला जाने भेद, भारे भव भय को हरे और पाप के खेद। भाव से बारंबार नाम सुनौ का से किया, जिसने भव से पार। गुरु तो ऐसा चाहिए स्वार्थ से हो पार, परमार्थ में रत रहे कर पर हित उपकार। नाम श्री उसके ऊपर
चिंत तक नहीं रहता। वाणी का जो तीर लगता है उसका घाव स्वामी जी महाराज कहते हैं इतना गहरा एवं इतना गंभीर होता है, ना ही भरता है ना ही उसकी पीड़ा ही खत्म होती है, सब काल सदा उसकी पीड़ा रहती है। कलाब जी से अर्ज की जा रही थी, सत्य भी कहना है तो बहुत समझदारी से कहना चाहिए, बहुत संभल के कहना चाहिए, मिठास भर के कहना चाहिए। ये बात है तो सत्य ही, पिता डैडी हमारे मम्मी के हस्बैंड हैं, लेकिन ऐसा कहता तो कोई नहीं। मेरी मम्मी के हस्बैंड, ये पिता कहने का ढंग नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मम्मी का जो हस्बैंड होता है उसे ही पिता कहा जाता है, डैडी कहा जाता है, लेकिन कोई ऐसा पुकारता नहीं है। सत्य भी कहो तो बहुत सोच समझ के मीठा डाल के उसमें कहिएगा। नाम साधक चुनो राम नाम, जो स्वामी जी महाराज की कृपा से परमेश्वर के पास से हमें मिला है, हमारे हृदय को प्रेम से परिपूर्ण कर देता है और जीवा को माधुर्य से। ये दो चीजें, दो देन जो नाम की हैं, कभी भुलाने वाली नहीं। यदि ऐसा अभी तक नहीं हुआ तो साधकजनों अपने अंदर खोट देखनी चाहिए, कुछ और उपाय करने चाहिए, नाम की साधना और बढ़ानी चाहिए, ताकि जो चीज कही गई है कि नाम से हमें मिलती है वे अभी तक मिली नहीं। जिभा की कटुता गई नहीं, कठोरता गई नहीं, अपमानी शब्द बोलने में बिल्कुल परहेज नहीं करती, ईर्ष्या भरे वाद मारने में बिल्कुल कभी इसको लिहाज शर्म नहीं है। स्वाद से साक्षर इसका बड़ा संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। जिस जीवों से अभी तक स्वाद नहीं भरा वह जीवा मीठा भी नहीं बोल सकेगी, बहुत गहरा संबंध है। एक ही इंद्री ऐसी है जिसके पास परमेश्वर ने दो काम दिए हुए हैं, स्वाद लेने का एवं कुछ बोलने का। रस इंद्री भी है, ये मानो कर्म इंद्री भी है और ज्ञान इंद्री भी है, ऐसा और किसी इंद्री में नहीं रहता है। बहुत महत्वपूर्ण इंद्री ये जिह्वा, दोनों पर अंकुश रखने की जरूरत है, दोनों पर निगरानी रखने की जरूरत है। कहीं स्वाद से चस्का तो नहीं ले रहे, बहुत सचेत रहिएगा इस जिह्वा के बारे में। जिसकी ये इंद्री संयम में हो जाती है, साधु समझ लीजिए वह सर्व इंद्रिय संयमी हो जाएगा, बाकी इंद्रियां सब इसी के अधीन लगती हैं, ऐसा संत महात्मा कहते हैं। ये एक जिह्वा जिसके नियंत्रण में आ जाती है, बाकी इतनी इंद्रियां हैं और हैं, ये सब की सब नियंत्रण में हो जाती हैं एक इसके नियंत्रण होने पर। भाव तीर तलवार के पुराते हैं तत्काल, एक दृष्टांत के माध्यम से देखिए कहानी सत्य है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मर्म सत्य है। एक ब्राह्मण एवं एक शेर की मित्रता हो गई, अनहोनी सी बात है, पर कहानी इसी प्रकार की है।
हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर शेर खाने वाला ही नहीं होता, हर एक को खाने वाला नहीं होता, उनके अंदर भी हृदय है। भले ही दिया का भाव नहीं है, वह मनुष्य में ही होता है, उनके अंदर दिया नहीं है, पशुओं के अंदर। एक मित्रता निभाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कोई इनका उपकार करता है तो शेर भी उस उपकार को भूलता नहीं है। एक दफा कहते हैं, कहानी थोड़ी बदल गई, एक दफा कहते हैं किसी शेर के मुख में हड्डी फंसी हुई थी। हड्डी फंसी हुई है तो मुख बंद नहीं हो रहा, मानो जिएगा कैसे, हाँफ रहा है। सारे के सारे शेर मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है कोई भी, सब मांस खाने वाले हैं। पशु का मिले पशु, इंसान का मिले तो बात ही क्या है। हड्डी फंसी हुई है, मुख जबड़ा बंद नहीं हो रहा, निकले कैसे, बिचर रहा है बेचारा बेचैन। एक संत ने देखा, सोचा विश्वसनीय पशु तो नहीं है, लेकिन इस वक्त पीड़ाग्रस्त है, किसी न किसी ढंग से इसकी पीड़ा दूर करनी चाहिए। हो सकता है ये पीड़ा या पीड़ा ही ना हो, मानो जानलेवा हो, खत्म हो जाएगा ये, मेरा क्या जाता है, मरना ही है, आज नहीं कल। परमेश्वर ने इस ढंग से मरना लिखा है तो डरना क्या। दैव हिम्मत करके उसके मुख में हाथ डाल दिया, हड्डी निकाल दी, शेर की जान में जाना ही, मानो सिर झुका के तो वापस लौट गया है। मित्रता का भाव भीतर याद रहा। कहानी इस प्रकार की है, इस संत को किसी कारणवश, कोई अपराध नहीं कुछ नहीं, राजा ने पकड़ लिया। कहा इसे वैसे नहीं मारूंगा, शेर के आगे डाल दो, अपने मर जाएगा। संयोग की बात कहिएगा, कैसे भी कहिएगा, वही शेर जिसकी जान इस संत ने बचाई थी, उसी शेर से सामना हुआ, उसी पिंजरे में पकड़ लिया, उस शेर को उसी पिंजरे में डाला जिसमें वो शेर था। शेर ने सूंघा इसे, चरणों में प्रणाम किया, प्यार किया, खाने से इनकार कर दिया। उनके इन अंदर भी हृदय है, प्रेम को। प्रेम एक ऐसी भाषा है दिव्य सज्जनों, जिसे हर कोई पहचानता है। इंसान ही कभी कभी मूर्खता करता है, लेकिन प्रेम को हर कोई पहचानता है। बात चल रही थी एक शेर की और एक ब्राह्मण की, मित्रता हो गई। ऐसी घनिष्ठ मित्रता, रहता तो जंगल में ही है शेर, लेकिन कभी कभी मित्र को मिलने के लिए आ जाता है। और ये ब्राह्मण भी कभी कभी जंगल में अकेला अपने मित्र को मिलने के लिए जाता है, दोनों का आना जाना बना हुआ है। आज घर पहुंचा ही है शेर, मिलने के लिए आया है अपने मित्र को। उस वक्त ब्राह्मणी ब्राह्मण को कोस रही है, मित्र भी बनाया तो कैसा मित्र बनाया, मुख से बास आती है, पशु खाता है, बंदा खाता है, न जाने तुम्हें कब खा जाए, न जाने मुझे कब खा जाए, कैसे विश्वास किया जाए इसके ऊपर। द्वार पर खड़े शेर ने यह सारी की सारी बात सुन ली। मित्रता,
सारी की सारी बात सुन के तो अपनी मित्रता पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। इस पत्नी की दृष्टि में, इस नारी की दृष्टि में मैं विश्वसनीय मित्र नहीं हूं। भीतर आया है, आके ब्राह्मण से कहा, मित्र एक काम कर, एक कुल्हाड़ी ला। शेर का हुक्म है, कुल्हाड़ी आ गई, बहुत जोर से मेरे सिर पे मार, यदि तू मारने से इनकार करेगा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, यदि तूने किसी ढंग से मेरा लिहाज किया, जैसी जोर से मैं कह रहा हूं ऐसी जोर से कुल्हाड़ी नहीं मारी तो मैं तब भी तुम्हें खा जाऊंगा। जितनी जोर से मार सकते हो, जितनी तेरे अंदर ताकत है, उतने जोर से मेरे सिर में कुल्हाड़ी मारो। शेर ने अपना सिर नीचे कर दिया, ब्राह्मण ने डरते डरते बहुत जोर से कुल्हाड़ी उसके सिर पर मार दी। खून ऐसे ऐसे पतनाला, बरसात का मौसम होता है तो पतनाले गिरते हैं, पानी गिरता ही जाता है, ऐसे पतनाला। उसने मुख अपना मोड़ा सीधे जंगल की ओर, सारा नगर गांव लांघता हुआ, अपना खून बखेरता हुआ शेर जंगल में चला गया है। 3 महीने तक मित्र का ना इधर जाना ना उधर, कोई नहीं, कोई आना जाना बिल्कुल नहीं। किसने इलाज किया होगा? हम कहते हैं साधक जनों, जो भगवत भजन करता है, योग क्षेम उसका परमात्मा चलाता है, इनका कौन चलाता है? ये कौन से कोई भजन पाठ करते हैं? अरे योग क्षेम चलाना परमात्मा का कर्तव्य है, निभाता है। कोई शर्त नहीं है उसकी कि इतना भजन पाठ करोगे, ये करोगे तो मैं तुम्हारा योग क्षेम चलाऊंगा। जंगल में बैठे हुए क्या भजन पाठ करते हैं, इन्हें भजन पाठ का पता ही नहीं, लेकिन कौन चलाता है इनका योग क्षेम? सागर की तले में बैठे हुए जीव, कौन उन्हें खाने को देता है, कौन उनको पीने के देता है? कौन है परमात्मा के सिवा ये सब कुछ कर सकता है? 3 महीने में देवी जख्म बिल्कुल भर गया, जब भारी जख्म था बिल्कुल भर गया, बाल तक आ गए। आज 3 महीने के बाद की बात, अपने मित्र से मिलने के लिए शेर गए, जाके ब्राह्मण देवता से कहा, मित्र तेरा दिया हुआ जख्म तो भर गया, देख न जख्म है कोई, नामो निशान ही नहीं है, लेकिन तेरी पत्नी का दिया हुआ जख्म अभी तक बिल्कुल ताजा का ताजा है। तूने कुल्हाड़ी से जख्म दिया था, उसने जिभा से जख्म दिया है। वचन के तीर से जो जख्म दिए जाते हैं साधक जनों, बड़े गहरे, बड़े गंभीर, बड़े विषैले होते हैं। न जख्म भरता है, न पीड़ा ही खत्म होती है। जितना मर्जी फिर पश्चाताप कर लो, पश्चाताप तो अपने लिए है, लेकिन जिसको आपने जख्म दे दिया उसके लिए तो कोई पश्चाताप नहीं है, वह तो बेचारा पीड़ा से तड़प रहा है, वे अभी तक भूला नहीं है। स्वामी जी महाराज अगली उक्ति कहते हैं, कर्म करो ऐसे भले जैसे फल की मांग। डिफरेंट स्टेटमेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कर्म करो ऐसे भले जैसे फल की मांग। इक्षु रस की मधुरता मिले ना भूकर भांग। इक्षु गन्ने को कहते हैं, गन्ने का रस पीना चाहते हो तो आपको गन्ना भांग भूख के तो नहीं मिलेगा। कितनी स्पष्ट बात स्वामी जी महाराज ने लिखी है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय है कल। अकाट्य सिद्धांत है कर्म का साधक जनों, कोई इससे बच नहीं सकता। संत महात्मा, देवी देवता, जीव, कोई इससे प्राणी, कोई भी इससे बच नहीं सकता।
कर्म सिद्धांत तो ये कहता है। हाँ, दूसरे सिद्धांत हैं जो इनसे बचने का ढंग हमें सुझाते हैं। सामान्यता नियम यह है, कर्म का अकाट्य सिद्धांत है, ये फल दिए बिना आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस जन्म में संभव है तो इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, यहां फल देना संभव है तो यहां अमेरिका में फल देना की जरूरत है तो कर्म अमेरिका में आपके पीछे जाएगा, छोड़ेगा नहीं आपको। अकट सिद्धांत है इसका। इस सिद्धांत को जानने से यही सीखना है ना कि हमें कहीं भी हैं, हम कैसे भी हैं, हमें कर्म शुभ करने चाहिए, यदि फल शुभ जाते हैं तो। कर्म करो ऐसे भले जैसे फल की मांग, जैसा फल चाहते हो वैसे कर्म करो। स्वामी जी महाराज का समझाने का ढंग कितना सुंदर है। कर्म करो ऐसे भले जैसे फल की मांग, इक्षुक रस की मधुरता मिले ना भूख कर भांग। भांग भोग के तो आपको गन्ना नहीं मिल सकेगा, आपको भांग ही खानी पड़ेगी। कल करेंगे साधु ने इसकी चर्चा, सुंदर चर्चा है, सब कल जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।